हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चोटियों से रिलेटेड है। ये टॉपिक एचपी के सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। एचपी की चोटियों के बारे में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये इजीली समझ में आए। ये वीडियो का पार्ट वन है, इसमें हम सभी चोटियों के बारे में डिस्कस करेंगे और पार्ट टू में इन्हीं चोटियों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में कौन कौन सी चोटियां हैं और उनकी ऊंचाई कितनी है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है शीला चोटी और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7025 मीटर, ये ऊंचाई मीटर में है। नेक्स्ट है लियो पारजिल, इसकी ऊंचाई है 6791 मीटर। नेक्स्ट है रियो फुर्गियल, 6816 मीटर। निंजेरी चोटी 6646 मीटर। उसके बाद है सिपकी, 6608 मीटर। ग्रेनाइट शिखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रेनाइट शिखा और सिपकी। ग्रेनाइट शिखा है 6585 मीटर। नेक्स्ट है रांगरी क्रांग, यह है 6553। नेक्स्ट है किन्नर कैलाश, यह 6500 मीटर। और नेक्स्ट है जोरकांदन, 6473 मीटर। तो ये जो चोटियां हैं इनसे या तो चोटी का नाम देके डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता है कि जैसे सीला जो चोटी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, या तो फिर इनकी ऊंचाई पूछी जाती है कि इनकी ऊँचाई कितनी है, जैसे सीला की 7025 मीटर है। इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। और जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है वो है शीला चोटी। इसके साथ साथ यह चोटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। जो शीला चोटी है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 7025 या कई बार एग्ज़ाम में 26 भी दिया होता है, 25 या 26। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो शीला जो चोटी है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो वो है जास्कर पर्वत श्रृंखला में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो मेनली जो चोटियां हैं वो है शीला, सिपकी, ग्रेनाइट शिखा और किन्नर कैलाश। ये चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है या इनकी ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सबसे पहले है डिब्बी भोकरी चोटी, जो कितनी ऊँची है, 6400 मीटर ऊँची है ये। उसके बाद है इंद्राशन, 6220 मीटर। दियो टिब्बा, 6001 मीटर। सिद्धिधार, 5290 मीटर। सिरखंड महादेव, 5182 मीटर। नेक्स्ट है इंदर किला, 4940 मीटर। पिन पार्वती, 4800 मीटर। पतालसू, 4470 मीटर। और साचा, 3540 मीटर। इनमें जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है डिब्बी भोकरी चोटी, जो कितनी ऊंची है, 6400 मीटर ऊंची है। इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इंद्राशन, इंदर किला, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंदर किला कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और इसके साथ साथ पिन पार्वती की ऊंचाई का भी हमें पता होना चाहिए, 4800 मीटर है, कई बार इसकी ऊंचाई भी एग्ज़ाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा में सबसे पहले है पीर पंजाल, 5972 मीटर है। उसके बाद बड़ा कंडा, यह है 5860 मीटर। मणिमहेश कैलाश, 5660 मीटर। जो मणिमहेश कैलाश है और एक किन्नर कैलाश है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो किन्नर कैलाश है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और ये मणिमहेश कैलाश है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। कई बार एग्ज़ाम में मणिमहेश नहीं दिया होता, सिंपल कैलाश ही दिया होता है, तो ये अगर कैलाश पूछा जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। अगर साथ में किन्नर लगा हो, किन्नर कैलाश, तो वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। तमसार, 5080 मीटर। गौरी देवी का टीवा, 4030 मीटर। और नरसिंह टीवा, ये है 3730 मीटर। इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पीर पंजाल, मणिमहेश कैलाश और गौरी देवी का टीवा। नेक्स्ट है
लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है मनीरेंग, यह है 6,597 मीटर। नेक्स्ट है मुलकिला, 6,520 मीटर, ये मीटर्स में है ये याद रखना है। गया घर 6,400 मीटर, कांगला टारवो वन 6,315 मीटर, चाऊ चाऊ कॉन्ग नीलधा 6,303 मीटर, और सिगरीला 6,230 मीटर है, रामाबंग 6,135 मीटर है, गेफांगो 6,050 मीटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाहौल स्पीति की गेफांगो, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि लाहौल स्पीति की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है तो वो है गेफांगो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका, इसकी ऊंचाई भी हमें पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, और उस डिस्ट्रिक्ट की है सबसे प्रसिद्ध, सबसे ऊंची जो है लाहौल स्पीति की वो मनीरेंग है, और सबसे प्रसिद्ध जो है वो गेफांगो चोटी है। नेक्स्ट है सालतू दापार 5,650 मीटर, लाचा लुंगला 5,060 मीटर, मुरांगला 5,060 और श्रृंगला यह है 4,999 मीटर, और हरगारन 3,850 मीटर। तो इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मुलकिला, सिगरीला, गेफांगो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, और मुरांगला, ये इस लाहौल स्पीति की इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोटियाँ हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी की सबसे ऊंची चोटी है नागरू, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मंडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह नागरू है और यह 4,020 मीटर है। नेक्स्ट है शिकारी देवी, शिकारी देवी उसके बाद है कमरू नाग 3,065 मीटर, फिर है देवी दरह 2,872 मीटर, पराशर 2,730 मीटर और बिंच कैंप 2,700 मीटर। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो शिकारी देवी, कमरू नाग और पराशर है, नागरू, शिकारी देवी, कमरू नाग और पराशर, ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो शिकारी देवी और नागरू से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का सबसे ऊंची चोटी जो है वो हनुमान टेबा है, ये 5,860 मीटर है। नेक्स्ट है चोलांग 3,270 मीटर और बिलिंग टॉप 3,050 मीटर है। इसमें जो हनुमान टीबा है उससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हनुमान टीबा, ये कुल्लू और कांगड़ा की सीमा पे स्थित है, जो हनुमान टीबा चोटी है ये कुल्लू और कांगड़ा की सीमा पे स्थित है और ये कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है सिरमौर, सिरमौर की है चूड़धार, सबसे ऊंची चोटी है ये सिरमौर की और ये 3,647 मीटर है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की है ककरेर चोटी, ये है 1,430 मीटर, जांझियार चोटी यह है 1,100 मीटर, सरयू चोटी यह है 1,350 मीटर और बहादुरपुर यह है 1,980 मीटर। ये बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है बहादुरपुर, और जो झंझियार चोटी है ये झंझियार धार में है, ये कितनी है 1,100 मीटर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें ये झंझियार चोटी है और बहादुरपुर चोटी है। नेक्स्ट है ओके, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने सभी चोटियां पढ़ ली कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चोटियां हैं जो भी इम्पोर्टेंट थी। अब है जिला के अनुसार ऊंची चोटी, मतलब कौन से ज़िले में कौन सी चोटी जो है वो सबसे ऊंची है। जैसे किन्नौर में, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिला, शिला चोटी जो है वो सबसे ऊंची है किन्नौर की। लाहौल स्पीति में है मनीरेंग, लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मनीरेंग है 6,597 मीटर। कुल्लू की कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, डिब्बी बोकरी जो 6,400 मीटर है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पीर पंजाल 5,972 मीटर।
कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हनुमान टीवा 5660 मीटर। ये जो चोटियाँ हैं हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी चोटी जो है वो सबसे ऊंची है। डिस्ट्रिक्ट शिमला की सबसे ऊंची चोटी है चांसल चोटी जो 4520 मीटर है। डिस्ट्रिक्ट मंडी की है नागरू जो 4220 मीटर। और सिरमौर की है चूड़धार, यह है 3647 मीटर। उसके बाद है सोलन की, यह करोल, डिस्ट्रिक्ट सोलन की सबसे ऊंची चोटी है करोल 2280 मीटर। बिलासपुर की है बहादुरपुर 1980 मीटर। नेक्स्ट है ऊना की, ऊना की सबसे ऊंची चोटी है भारबेन चोटी, यह है 1200 मीटर। और हमीरपुर की, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है अवाह देवी, यह है 1100 मीटर। इतनी है 1100 मीटर। ओके, तो ये चोटियों से रिलेटेड वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चोटियां हैं। यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं कि कौन सी चोटी जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है या उनकी ऊंचाई कितनी है। ये वीडियो का पार्ट वन था। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इन चोटियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।